किताब की तरह हूँ मैं, कितनी भी पुरानी हो जाए पर अल्फाज नहीं बदलेंगे। कभी याद आए तो पन्ने पलट कर देखना, हम आज जैसे हैं कल भी वैसे ही मिलेंगे। छाता बारिश तो नहीं रोक सकता, परंतु बारिश में खड़े रहने का हौसला अवश्य देता है। उसी तरह आत्मविश्वास सफलता की गारंटी तो नहीं, परंतु सफलता के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा अवश्य देता है। नींद और निंदा पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता, और जो चीज़ आपको चैलेंज करती है वही आपको चेंज कर सकती है। बारिश की बूंदें भले ही छोटी हों लेकिन लगातार बरसना भाव बन जाता है। ऐसे ही हमारे छोटे छोटे प्रयास निश्चित ही जीवन में बड़ा परिवर्तन लाने में सक्षम रहते हैं। इसलिए प्रयास होता ही सही तो लगातार होना चाहिए। समय ना लगाओ तय करने में आपको क्या करना है, वरना समय तय कर लेगा कि आपका क्या करना है। ऐसा एक ही भाषा बोलता है, अगर तुमने आज मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। भले ही मैं ऊपर साथ ना जाऊंगा, पर जब तक मैं नीचे हूँ तुझे बहुत ऊपर तक लेके जाऊंगा। कितनी भी छोटी क्यों ना हो, ताकत उसमें सारा जहां देखने की होती है। ये एक हसीन ख्वाब है जिसमें जीने की चाह होनी चाहिए। हम खुद ही खुशी में बदल जाएंगे, सिर्फ मुस्कुराने की आदत होनी चाहिए। लफ्ज एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या दिल से उतर जाता है। मनुष्य की चाल धन से भी बदलती है और धर्म से भी बदलती है। जब धर्म संपन्न होता है तब विनम्र होकर चलता है, और जब धन संपन्न होता है तो अकड़ कर चलता है। जिंदगी भले ही छोटी देना भगवान, मगर ऐसी देना कि सदियों तक लोगों के दिलों में जिंदा रहूं और अच्छे कर्म कर सकूं। मन की संतुष्टि के लिए अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। लोग तारीफ करें या ना करें, कमियां तो लोग भगवान में भी तलाशते रहते हैं। घर के नीचे रखी टूटी मूर्ति को देखकर समझ आया कि परिस्थिति चाहे कैसी भी हो खुद को टूटने नहीं देना, वरना ये दुनिया जब टूटने पर भगवान को घर से निकाल सकती है तो फिर हमारी औकात ही क्या है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।